नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए 26 डायरेक्ट वैकेंसीज हैं। 16 वैकेंसी जो है वो AWPO से है और 10 वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल से। तो शुरुआत करते हैं AWPO से डायरेक्ट वैकेंसीज की, जो कि ऑफिसर, JCO और OR रैंक के लिए है। अब यहां देखते हैं फरवरी 2023 की डायरेक्ट वैकेंसीज फॉर ऑफिसर से शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं कमांडेंट पद्मश्री डॉक्टर W. पाटिल सैनिक स्कूल, यहाँ कमांडेंट का वैकेंसी है। इसके अलावा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हॉस्पेट स्टील लिमिटेड, मेडिकल डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस। उसके बाद GM जनरल मैनेजर का पोस्ट है ओम श्री कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद है कंसल्टेंट का वैकेंसी HFCL से। ये 5 वैकेंसीज ऑफिसर्स के लिए हैं। अब आते हैं JCOs के लिए। JCOs के लिए एडमिन ऑफिसर का वैकेंसी है रेपिटेड स्कूल एट भटिंडा। रिटायर्ड JCO चाहिए, मैक्सिमम एज इसमें है अप टू 45 इयर्स ऑफ एज, ग्रेजुएट चाहिए। जॉब लोकेशन भटिंडा का है। 5.40 लाख पर एनुअम इसमें सैलरी रहेगा। AWPO चंडीगढ़ से वैकेंसी आया है। नेक्स्ट है मैनेजर पोस्ट के लिए, टोटल इसमें वैकेंसी है 50। कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। इसमें रिटायर्ड JCO, ग्रेजुएट JCO चाहिए। जॉब लोकेशन कोलकाता का है। 3.60 लाख का पैकेज है। AWPO कोलकाता से वैकेंसी आया है। नेक्स्ट है सर्वेयर पोस्ट के लिए, और ये इसमें 8 वैकेंसीज हैं। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, रिटायर्ड JCO चाहिए, सर्वेयर ट्रेड इंजीनियर से। AWPO लखनऊ से वैकेंसी आया है और जॉब लोकेशन भी AWPO का ही है। सैलरी इसमें है 3 लाख पर एनुअल। नेक्स्ट है वैकेंसी मैकेनिकल / इंजीनियरिंग / ऑपरेटर। ये DFCCIL क्या है? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें 45 वैकेंसीज हैं JCOs के लिए बिलो 55 इयर्स ऑफ एज। जॉब लोकेशन अहमदाबाद, नेशाना एंड पालनपुर है। 5 लाख का इसमें पैकेज है ईयरली। 12 आवर्स का ड्यूटी होगा, 12 घंटे की। AWPO अहमदाबाद से वैकेंसी आया है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इसमें 2 वैकेंसी है झबुआ पावर प्लांट के लिए। रिटायर्ड JCO अप टू 54 साल तक के JCO इसमें चाहिए। सेप 1 एग्जेम्पलरी आउट ऑफ MP यानी मध्य प्रदेश से बाहर लोकेशन के ही JCO चाहिए इनको। जॉब लोकेशन घनसोर का है मध्य प्रदेश। इसमें सैलरी है 3.50 लाख पर एनुअल, प्लस एकोमोडेशन रहेगा इसमें। 12 घंटे 30 दिनों की ड्यूटी है। AWPO जबलपुर से वैकेंसी आया है। अब आते हैं NCOs के लिए और जवानों के लिए वैकेंसी। सबसे पहला है रेलवे गेटमैन, 350 वैकेंसी है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल रेलवे से आया है। इसमें एक सर्विसमैन अप टू 54 साल तक के एज के इसमें पूर्व सैनिक चाहिए। मेडिकल सेप 1 एंड सेप 2 भी इसमें चलेगा। ऑल महाराष्ट्र का लोकेशन है। 3.94 लाख का पैकेज है। AWPO जलंधर से वैकेंसी आया है। उसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी, इसमें 10 है टोटल पोस्ट। प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ के लिए? पंचकूला का किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है। एक सर्विसमैन अप टू 54 साल के तक के एज के पूर्व सैनिक इनको चाहिए। जॉब लोकेशन पंचकूला का है। सैलरी है 3.16 लाख पर एनुअम। AWPO चंडीगढ़ से वैकेंसी आया है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन का वैकेंसी, 154 वैकेंसी है और क्लस्टर इंचार्ज 12 वैकेंसी है। कौन सी कंपनी में है? भारती एयरटेल लिमिटेड में। एक सर्विसमैन चाहिए। जॉब लोकेशन अरुणाचल प्रदेश का है। 3 लाख पर एनुअम टेक्नीशियन के लिए है और 7.5 लाख पर एनुअम क्लस्टर इंचार्ज के लिए है। वैकेंसी आया है AWPO गुवाहाटी से। AWPO गुवाहाटी का वैकेंसी काफी दिनों के बाद आया है। नेक्स्ट है गेटकीपर का वैकेंसी, 53 है, ऑपरेशंस ब्रांच के लिए वेस्टर्न रेलवे से, और इसमें पूर्व सैनिक 55 साल तक के एज के चाहिए। अहमदाबाद और भावनगर, ये गुजरात का लोकेशन है। 3.96 लाख पर एनुअम का पैकेज रहेगा। AWPO अहमदाबाद से वैकेंसी आया है। उसके बाद है रेलवे गेटमैन, DFCCIL आगरा लोकेशन के लिए है। इसमें 64 वैकेंसीज हैं।
एक सर्विसमैन चाहिए, मेडिकली फिट चाहिए। ये देखिए खुर्जा और भावपुर लोकेशन है, यानी कानपुर लाइन का लोकेशन है। 2.79 लाख पर एनुअल का पैकेज है। AWPO लखनऊ से वैकेंसी आया है और जो अंतिम वैकेंसी है AWPO का वो है मैराइन सिक्योरिटी ऑफिसर, 12 वैकेंसी है। एलाइट मैराइन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से आया है वैकेंसी। एक सर्विसमैन 48 साल तक के एज के इसमें इसके लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या हुआ होना चाहिए, जो QR है वो है साउथ इंडियन लैंग्वेज रिक्वायर्ड। इसमें शिप्स में ड्यूटी करना होगा, शिप्स का लोकेशन होगा जो ड्यूटी होगा। 4.80 लाख पर एनुअम का पैकेज है, साथ में फ्री फूड एंड अकोमोडेशन की भी व्यवस्था है। AWPO सिकंदराबाद से ये वैकेंसी आया है। तो ये जो 16 वैकेंसीज थे ये AWPO के माध्यम से थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसे जो अगला पार्ट है वो है इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल से। इसमें भी काफी सारे वैकेंसीज आए हैं। जूनियर इंजीनियर इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये NCOs के लिए है, एक वैकेंसी है। लास्ट डेट है 6 फरवरी 2023। उसके बाद है इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, लास्ट डेट 6 फरवरी 2023, एक वैकेंसी है इसमें NCOs के लिए। उसके बाद हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट ग्रेड 1 इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें 10 वैकेंसी है, लेवल 5 का पे रहेगा, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें ये भी NCOs के लिए है, ये 19 वैकेंसी है इसमें। उसके बाद प्राइमरी टीचर इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इस वैकेंसी को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें लास्ट डेट है 7 फरवरी 2023। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स डिवीजन MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, ये कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है, एक वैकेंसी है इसमें MIT यूनिवर्सिटी में। जॉब लोकेशन भी इसमें ये जो ऊपर वाला है इसमें नोएडा का ही है। उसके बाद है फील्ड सुपरवाइजर पब्लिक ऑपरेटर, इसमें 15 वैकेंसी है। कंपनी का नाम है स्काईटेक सॉल्यूशंस, NCOs के लिए वैकेंसी है, 15 वैकेंसी है। अब इसमें काफी सारे लोकेशन से वैकेंसी जो आया है, जिसमें अंबाला, फलवाड़ा, सिरसा, आदमपुर, श्रीनगर, हाजीमाड़ा, बागडोगरा, कलाईकुंडा, ग्वालियर, भुज, जोधपुर और जामनगर लोकेशंस के लिए हैं। अच्छा वैकेंसी है, 25,000 पर मंथ का इसमें सैलरी रहेगा। उसके बाद है हेलीकॉप्टर पायलट, इसमें 5 वैकेंसी है कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए, लास्ट डेट है 14 फरवरी 2023। उसके बाद स्टाफ मेटेरियोलॉजिस्ट, 26 फरवरी लास्ट डेट है, एक वैकेंसी है, यूनिवर्सल वेदर एंड एविएशन डिपार्टमेंट से है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल का लास्ट जो वैकेंसी है वो है सेल्स एंड प्रोक्योरमेंट लाइजनिंग ऑफिसर, ये NCO के लिए वैकेंसी है, लास्ट डेट है 28 फरवरी। एरो एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से वैकेंसी आया है। एयर वेटरन्स डायरेक्टली यहाँ लॉग इन करके इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पूर्व सैनिकों के लिए 26 डायरेक्ट वैकेंसीज इंक्लूडिंग AWPO और इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपको AWPO के जो फरवरी महीना का वैकेंसी PDF है वो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक में उसमें मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।